नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका द न्यूज लॉन्चर पर। वोटों की गिनती से ठीक पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि स्ट्रॉन्ग रूम में, उस रूम में जहां पर मशीनें सुरक्षित रखी जाती है, वहां पर सीसीटीवी बंद हो गया। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन चर्चा में पहले आशीष चित्रांशी जी को जोड़ लेते हैं। आशीष जी से चर्चा शुरुआत करें उससे पहले आपको वो ट्वीट पढ़ाते हैं और साथ में वो वीडियो भी दिखाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि 4 जून से पहले किस प्रकार की खबरें अब आ रही। उत्तर प्रदेश की जो खबर है उस पर नजर डालते हैं। स्क्रीन पर दिखाइए कंट्रोल रूम। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि लोकसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर की मशीन जिस स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई थी, वहां 3 कमरों का सीसीटीवी कल 3 बजे से ही बंद है और अभी तक चालू नहीं हो पाया, और प्रशासन को संज्ञान लेने के लिए यहाँ पे कहा गया है। साथ ही वीडियो है, वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये खबर जो है आशीष जी, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, 3 कमरों का सीसीटीवी चल नहीं रहा है, बताया जा रहा है कि 3 बजे से बंद है, और अभी तक अगर ये कोई प्रॉब्लम भी है, टेक्निकल इश्यू है, कुछ भी है, अभी तक क्यों नहीं रिजोल्व हुआ है? पहली बात तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? आशीष जी, मेगा, इसकी जो खबर आपने बताई, पहले उसको बताता हूँ, और 2 खबरें और बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस समझनी होगी। ये अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र है जहां से लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, और लालजी वर्मा ने खुद ट्वीट किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्रोत कोई ऐसा हो, अज्ञात स्रोत हो या अफवाह हो, प्रत्याशी ने खुद ट्वीट किया है 3 कमरों का सीसीटीवी जो है बंद है इस वक्त, और अभी नहीं बंद है, ये रात कल रात 3 बजे से बंद है। आप वक्त देखिए, करीब करीब 12 घंटे होने वाले हैं, करीब करीब 12 घंटे होने वाले हैं। अब तक जवाब नहीं आया है, अब तक जिला निर्वाचन अधिकारी का जवाब नहीं आया, अब तक राज्य निर्वाचन अधिकारी का जवाब नहीं आया, राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी ली। सवाल यह है कि सबसे पहले अगर ये जो स्ट्रांग रूम में जो तमाम ऐसे गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं, याद करिए सुप्रिया सुले का ट्वीट। बारामती में सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया कि कैमरे बंद हैं स्ट्रांग रूम के, जहां मशीनें रखी हैं। 2-4 घंटे बाद सफाई क्या आती है जिला निर्वाचन अधिकारी की, कि जो ऑपरेटर था वहां पर, वो ऑपरेटर थोड़ा सा नया था, अनुभवहीन था, और सीसीटीवी चल रहे थे, बस मॉनिटर का केबल उससे निकल गया था। अनाड़ियों के हाथ में वो बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली कहावत है। बताइए, इस देश में किसको रखा ऑपरेटर, उसको पता नहीं है केबल गलती से निकल गया। उसके बाद आप आइए जौनपुर, जौनपुर में याद होगा आपको, आपने दिखाई थी वो खबर, जब ईवीएम, जहां पर जो रिजर्व ईवीएम होती है, रिजर्व मशीनें, कि कहीं किसी बूथ पर मशीन खराब हो गई, किसी बूथ पर मशीन ने ऐन वक्त पर काम करते करते काम करना बंद कर दिया, तो रिजर्व मशीनें होती हैं, जैसे रिजर्व पोलिंग पार्टी भी होती है, जब जिले में पूरा चुनावी तैयारियां होती हैं तो रिजर्व मशीनें होती हैं, वैसे ही रिजर्व पोलिंग पार्टी होती है। तो रिजर्व पोलिंग पार्टी के साथ, 1-2 पार्टी के साथ रिजर्व मशीनें एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एक ट्रक में, एक गाड़ी में, वाहन में वो निकल जाती है। कहीं से भी शिकायत आई तो वहां पर वो ट्रक जो है जाता है और वहां पर चेंज कर देता है मशीन को। रात में जब सारे बूथ पर मतदान के बाद सब जगह की मशीनें पहुंच गई स्ट्रांग रूम में, जहां पर स्टोर किया जाना था, रखा जाना था, और जो ये रिजर्व वाला ट्रक था, इस रिजर्व ट्रक को जाना था कहां, इसको कलेक्ट्रेट जाना था, फिर वहां जाके खड़ी वो ट्रक को खड़ा कर दिया जाता। वो रिजर्व ईवीएम वाला ट्रक, रिजर्व मशीन वाला ट्रक पहुंच गया स्ट्रांग रूम, जहां पर पोलिंग के बाद की मशीनें रखी जानी थी। उस पर भी जब हंगामा हुआ, सपा के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, तो सारे आला अधिकारी पहुंचे और सफाई क्या दी गई कि ड्राइवर रास्ता भटक गया था, ड्राइवर यहाँ रास्ता भटक गया, वहां पर ऑपरेटर केबल गलती से निकाल दिया। अब अंबेडकर नगर की भी सफाई आएगी अभी कुछ देर में, देखिए क्या सफाई आती है। आप मतगणना से 24 घंटे पहले या 30 घंटे पहले ऐसी स्थितियां क्यों पैदा कर रहे हैं, या क्यों पैदा हो रही हैं, पैदा नहीं कर रहे, मैं कहता हूं क्यों पैदा हो रही है, आखिर कैसे मशीनें बंद हो जा रहे हैं, कैमरे बंद हो जा रहे हैं, जबकि स्ट्रांग रूम के लिए व्यवस्था है,
24/7 विद्युत आपूर्ति होगी, वो कैसे भी प्रबंध किया जाए वो होनी ही चाहिए। उसमें एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है कि जनरेटर जो है उड़ गया था, फूक गया था, कोई जो है एक्सक्यूज की गुंजाइश नहीं होती है। वहां पर 24/7 बिजली की सप्लाई विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, वहां पर सिक्योरिटी 24/7 होना चाहिए, वहां सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे 24/7 काम करने चाहिए। ये विपक्ष के प्रत्याशी क्यों आता है? वो विपक्ष के प्रत्याशियों के मॉनिटरिंग के लिए, वो देख सके, इसके लिए नहीं है। सीसीटीवी बस लगा दिया है एसओपी के लिए। यहां तक शिकायतें आई आजमगढ़ में पोलिंग के दिन पोलिंग के दिन ऑफिशियली जाकर के अभी भी आप चेक कर सकते हैं गूगल पे खबर। मतदान चल रहा था, मतदान में भी पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी अनिवार्य है, अनिवार्य है, सीसीटीवी लगा था। जिस ठेकेदार को सीसीटीवी लगाने काम दिया गया था, मतदान के दिन दोपहर होते होते सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी खुलवाने लगा, अपना काम हो गया था, फोटोग्राफ्स खींच लिए गए थे, सीसीटीवी लगा है, पेमेंट हो जाएगी। बताइए आप, मतदान की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती, पूरी कंप्लीट मशीन सील होने तक, तब तक कैमरे नहीं हटाए जा सकते। और जिस दिन आजमगढ़ में पोलिंग हुई, उस दिन आजमगढ़ से शिकायतें आई, ये तस्वीर आई कि वहां पर मतदान के बीच ही सीसीटीवी जो है ठेकेदार उतारने लगा। ये ठेकेदारी प्रथा पर देश थोड़ो चलेगा। ऊपर से विडंबना, इसके बाद इतनी चीजें हो रही हैं। और राजीव कुमार जिन्होंने आज से करीब 79 दिन पहले, आज से 79-80 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बकायदे बहुत अच्छे से शेरोशायरी सुनाई थी, आपने भी सुनी होगी, उसके बाद आज प्रकट हुए, आज प्रकट हुए तो बकायदे फिर जैसे ऐसे लग रहा था, ये लगता ही नहीं कि कोई नौकरशाह, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जो है संवैधानिक संस्था का प्रमुख बैठा है। ऐसे लगता है कि बीजेपी के एक प्रकोष्ठ का मुखिया बैठा हुआ है, जैसे आईटी सेल में अलग अलग प्रकोष्ठ, आईटी सेल में अमित मालवीया है, विपक्ष के नेताओं पर हमला बोलने वाला, विपक्ष के नेताओं को क्रिटिसाइज करने वाला, झूठ फैलाने वाला, कई बार झूठ फैलाने को लेकर के बवाल हुआ इस देश में, बंगाल में मुकदमा हुआ है। वैसे ही झूठ गढ़ने और फैलाने का काम करने के लिए, बताइए, देश की संवैधानिक संस्था का मुखिया बैठा, ऐसे लगता है कि वो प्रकोष्ठ का आदमी हो, भाजपा के विपक्षी दलों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठा हो, यही प्राइमरी फीलिंग आती है। आज भी कह रहे हैं जेंटलमैन गायब हो गया, जिसको कहा जा रहा था वो जेंटलमैन यही है। लोग अब मीम्स बनाएंगे कि पहले दिन आए थे और दूसरे दिन आए थे, बीच की उपलब्धियां नहीं बताए हमने, कितनी मशीनें लगाई, कितने मतदान करवाए। अरे ये प्रक्रिया आज आपने नहीं करवाया है, ये सुकुमार सेन जब पहले निर्वाचन आयुक्त बने थे, चुनाव आयुक्त बने थे इस देश के, तब भी हुआ था। और आज आज एक चलते हुए सिस्टम में आप आए हैं, तब सिस्टम बनाना था, तब लोकसभा क्षेत्र निर्धारित करने थे, परिसीमन हुआ था, देखना था कि पहाड़ी इलाकों में कैसे मतदान होगा, तटीय इलाकों में कैसे मतदान होगा, मैदानी इलाकों में कैसे मतदान होगा, नॉर्थ ईस्ट में कैसे मतदान होगा, दुआब में कैसे मतदान होगा, ये सब देखना था उस वक्त, तब भी चुनाव हुआ इस देश में। आप बता रहे हो हमारी उपलब्धियां, आपकी उपलब्धियां बताने के लिए बैठा है क्या मीडिया? हालांकि बता तो आपकी उपलब्धियां ही रहा है मीडिया, लेकिन आपकी उपलब्धियां, आप भी ये बात कि आप ये नहीं बताते, ये नहीं दिखाते, ये भाव पता है कौन सा भाव है? ये वही भाव है अविनाशी वाला भाव, बायोलॉजिकल नहीं हूं वाला भाव, ये सम्राट भाव, इसको मैं कहता हूं सम्राट भाव, कि राजा को ये पसंद नहीं ना कि कोई सवाल करे, कोई भ्रम करे, कोई संदेह करे, कोई अविश्वास करे, ये राजा को नहीं होता। लोकतंत्र में तो भ्रम भ्रम और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं, संदेह अविश्वास और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र ही तो अविश्वास की आजादी देता है, ताकत देता है। राजशाही में आपके लिए अविश्वास राजद्रोह होता है, उसी तरफ हम जा रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ऑन रिकॉर्ड राजीव कुमार बोल रहे हैं कि भ्रम पैदा किया गया, भ्रम कुछ लोगों ने फैलाया, भ्रम पैदा कर रहे हैं, भ्रम नहीं करना चाहिए पैदा। अब ये बताइए सीसीटीवी फुटेज कंट्रोल रूम एक बार और दिखाओ, ये भ्रम कौन पैदा कर रहा है? ये भ्रम आशीष चित्रांशी कर रहा है, मेघा कर रही है, न्यूज लॉन्चर कर रहा है भ्रम पैदा, कौन कर रहा है भ्रम? ये तीन जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं कैमरे स्क्रीन पर, ये क्यों है ब्लैक, क्यों है? इसका जवाब है ये भ्रम, आप उस दिन जवाब दीजिए। जीपीएस, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, जितने चुनाव के प्रक्रिया में जितनी गाड़ियां लगती हैं उसमें जीपीएस होता है, ट्रैकर होता है, उनका मूवमेंट पता होता है। ड्राइवर पोलिंग पार्टी के साथ भटक जा रहा है, भ्रम क्यों नहीं पैदा होगा भाई? राजीव कुमार को जवाब देना चाहिए था, भ्रम क्यों नहीं पैदा होगा? स्ट्रांग रूम में मौजूद ऑपरेटर तकनीशियन वो गलत, वो जो है प्लग निकाल दे रहा है, तार गलत निकाल दे रहा है, भ्रम क्यों नहीं होगा? पूरे चुनाव की प्रक्रिया में बोल रहे हैं कि भ्रम न फैलाया जाए, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में इस देश में सबसे ज्यादा अगर भ्रम किसी ने फैलाया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने फैलाया है, सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया है। भाषणों में बोलते थे घुसपैठिए ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, टीवी के इंटरव्यू में बोलते थे मैंने कहीं मुसलमानों का नाम लिया क्या? इससे ज्यादा भ्रमित व्यक्ति क्या हो सकता है और इससे ज्यादा भ्रम फैलाने वाला कौन हो सकता है? एक सिंगल नोटिस पूरे चुनावी प्रक्रिया में 80 दिन के भीतर एक सिंगल नोटिस नरेंद्र मोदी के नाम से जारी किया हो राजीव कुमार के आयोग ने, हम अपने सारे भ्रम वापस लेकर के माफी मांग लेंगे राजीव कुमार से। दिया एक भी नोटिस अमित शाह को? इस देश में चुनावी प्रक्रिया से आउट कर दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को, बैन लग जाना चाहिए था। अमित शाह के भाषणों में घूम घूम करके कहा गया कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाएगी। नोटिस राजीव कुमार, एक भी नोटिस दिखा दीजिए आप अमित शाह के नाम से जारी किया हो। भय विद्वेष नफरत इस बयान में कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवाएगी, बाबरी ताला लगवाएगी, इसमें सामुदायिक विद्वेष, आपसी हिंसा, नफरत, हर चीज को प्रेरित करने का भाव है इस एक लाइन में कि कांग्रेस आएगी, ये इंडी वाले आएंगे तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवाएंगे जी। इतने पर टीएन स्टेशन जैसा आयुक्त होता तो चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दिया होता, मुझे यकीन है। एक नोटिस नहीं जारी कर पाए और कह रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर के बेशर्मी से, इतनी बेशर्मी आती कहां से है? इतनी बेशर्मी से बोल रहे भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए, भ्रम फैला रहे लोग। अरे ये करना था, अगर यही करना तो राहुल गांधी के खिलाफ जहां चुनाव लड़ते, खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ लो, अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ लो, राजनीति ही करनी है तो संवैधानिक संस्था के मुखिया बनकर के बैठ के राजनीति बयानबाजी कर रहे हो। वो जयराम रमेश ने आरोप लगाया अमित शाह पर कि 150 जिलाधिकारियों से बात की है, उससे सबूत मांगने आ गए राजीव कुमार, सबूत दीजिए, भ्रम मत फैलाइए, सबूत दीजिए। कौन जिलाधिकारी इस देश में है, कौन जिलाधिकारी इस देश में है कि जिसको अमित शाह ने अगर फोन कर दिया तो वो आएगा सामने राजीव कुमार को बताने के लिए, राजीव कुमार को बताने के लिए आएगा? है कोई जिलाधिकारी इस देश में कि राजीव कुमार, वो तो खुद कहेगा कि राजीव, हम किससे बताने जाए, राजीव कुमार खुद किसी और के फोन पर काम कर रहे हैं, इनसे बताने क्या फायदा? अगर वो व्यथित भी होगा, वो व्यथित भी होगा, ईमानदार होगा, रीढ़ वाला अधिकारी होगा, तो भी वो शिकायत करने कहां जाएगा? वक्त आने पे कभी हो सकता है खुलासा कर दे, जैसे तमाम पूर्व नौकर साहू ने किया है खुलासा, वो ऐसे ही कर देगा, लेकिन वो बताने किसे जाएगा? ये महत्वपूर्ण सवाल। हाँ मेघा, आशीष जी, सवाल तो ये भी है कि इस लोकतंत्र में कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना काम कर ही रहा है, मीडिया जो है वो जज बन चुकी है, जो राजीव कुमार के आयोग को करना था वो काम सोशल मीडिया कर रहा है, तो यहाँ पर तो कोई अपना काम कर ही नहीं रहा जिसे जो करना चाहिए। नहीं, इस वक्त इस मैं बार बार जब ये बात कहता हूँ, लोग तमाम ट्रोलर्स भी
हम लोग को ट्रोल करने आते हैं, कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करते हैं, सब स्वीकार्य है। स्वीकार्य इसलिए है कि हम तो असहमति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, इसके पुरजोर समर्थक। और अभिव्यक्ति नहीं, असहमति की आजादी। इस देश में सबको सबसे असहमत होने का हक है। अगर हम मोदी से असहमत हैं तो हम हिपोक्रेसी में नहीं यकीन रखते। हम मोदी से असहमत हैं लेकिन मेघा हमसे असहमत नहीं हो सकती। अगर हम मोदी से असहमति जता रहे हैं तो पूरा हिंदुस्तान मुझसे भी असहमति जता सकता। तो जो मतलब आलोचक कुछ भी हमें कहें, लेकिन दरअसल जब हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र अपने सबसे गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है, इसी वजह से कहते हैं जिस सवाल को आपने किया, उस आपके सवाल के भीतर जवाब छिपा हुआ है। इस देश में एक साथ मैं न्यायपालिका को भी शामिल कर रहा हूं, और बिना किसी झिझक के न्यायपालिका से लेकर के जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक निकाय हैं, सारे के सारे या तो कोलैप्स कर चुके हैं, या तो दीवारें दरक चुकी हैं, नींव हिल चुकी है, बस ढांचा ढहना बाकी है। दो स्थितियों में है, या तो कोलैप्स कर चुकी हैं, नहीं तो बिल्कुल कोलैप्स होने वाली हैं, दरारें आ चुकी हैं। मीडिया किसी तरह न संवैधानिक निकाय है न सरकारी है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का पूरक कहता आया हूं, और इस वजह से पूरक क्योंकि लोकतंत्र में जो ताकत मिलती है जनता को, आवाम को, आम आदमी को, गरीब को, पीड़ित को, वंचित को, शोषित को, वो जो उसको हक मिलता है, उस हक को आवाज देने वाला जो होता है वो पत्रकार है, पत्रकारिता है। पत्रकारिता आवाज देती है। इस मायने में लोकतंत्र की आत्मा कहीं ना कहीं पत्रकारिता में बसती है। लेकिन जब पत्रकारिता बाकियों को तो कोलैप्स हो रहा है, पत्रकारिता पाताल में नृत्य कर रही है, पाताल में, नरक लोक में, जिसे नरक कहते हैं, आजकल सब मोक्ष का द्वार लोग देख रहे हैं, साधना में लीन तपस्वियों के जरिए मोक्ष और स्वर्ग का मार्ग देख रहे हैं कैसे प्रशस्त होता है। लेकिन उस दौर में पत्रकारिता, अभी बाकी ढांचे तो ढह रहे हैं, पत्रकारिता नर्क कहें पाताल कहें वहां नृत्य कर रही है। पत्रकारिता के बारे में तो चर्चा भी करने की जरूरत नहीं। मैंने कल एक चर्चा में इस बात को कहा था, फिर आखिर में आखिरी यही शब्द बोलूंगा, वाक्य बोलूंगा। अब हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि पत्रकारिता को छोड़ कुछ भी कर पावे, न कॉस्मेटिक की दुकान पर कॉस्मेटिक बेच पाएंगे, न धनिया मिर्च की दुकान खोल पाएंगे, परचून की न दुकान खोल पाएंगे, न मेडिकल स्टोर चला पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर मुझसे कोई मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो इस देश में कंप्लीट मीडिया, ये नहीं कहूंगा, फिर उसमें डिफर नहीं करूंगा कि नहीं यार न्यूज लॉन्चर आशीष चित्रांशी और ये लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इनको वो नहीं, कंप्लीट पत्रकारिता पर 10 साल का प्रतिबंध कम से कम होना चाहिए। मैं उसके लिए, हमारी रोजी रोटी यही है, हो सकता है भुखमरी के कगार पर आ जाए, लेकिन फिर भी मैं ये कहने में रत्ती भर, मैं ये कहने वाला शायद पहला व्यक्ति होऊंगा और मैं इस पर कायम रहूंगा। प्रतिबंधित हो जाना चाहिए पत्रकारिता, कोई ना बोले, ये समाज को अपनी आंखों से 10 साल देख लेने दो, आंखों में धूल झोंकना बंद कर, सरकारी भोंपू कोई ना रह जाए, विपक्ष का भी कोई भोंपू ना रह जाए। बहुत सारे हमको कहते हैं ना कि फंडिंग देता है, अरे फंडिंग किससे देता है, फंडिंग लेना और देना होता तो इतने टंके चोट पे नहीं कहते हैं, ना विपक्ष का कोई भोंपू ना सरकारी, हालांकि विपक्ष का भोंपू है कौन, और जब विपक्ष का लोग कहते हैं भोंपू कोई कुछ कम आते हैं, ये विपक्ष की बातें केवल करते हो, तो मैं कहता हूं कि हाँ, इस पिछले साल 6 महीने में विपक्ष की बातें मैंने किया है, सिर्फ विपक्ष की बातें किया, लेकिन आपको विपक्ष समझना पड़ेगा। आपको विपक्ष का मतलब कांग्रेस लगती है, आपको विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी लगती है, आपको विपक्ष का मतलब ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव, शरद पवार लगते हैं, स्टालिन लगते हैं, नहीं। अब
इस देश की जनता विपक्ष में खड़ी है, इसीलिए एक एग्जिट पोल ने इस पूरे देश की जनता को निराशा के गर्त में ढकेल दिया। लोग निराश हैं, हताश हैं, क्रोध है उनमें, क्षोभ है, गुस्सा है, क्योंकि जनता विपक्ष में है। ये चुनाव अब भी मैं कह रहा हूं जनता ने लड़ा था, नतीजे कल आ जाएंगे। मैंने 220 से 30 मैंने अशोक वानखेड़े जी ने, न्यूज लॉन्चर ने, तमाम कम से कम 50 पिछले दो ढाई या तीन महीने जब से पूरी चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव की आहट हुई है, 40 से 50 स्पीचेज, भाषण अलग अलग क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के तो करीब करीब हर इलाके में अशोक वानखेड़े जी के लगे होंगे। वहां ग्राउंड पर जाते थे, लोगों का हुजूम आता था, बातचीत करते थे, समझ के आते थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहां कहां हम लोगों ने हर जगह की ग्राउंड रिपोर्ट को देखा है, समझने की कोशिश की। और 220 230 ये वर्स्ट कंडीशन में कहा था, वर्स्ट की मतलब विपक्ष सबसे घटिया प्रदर्शन कर दे और मोदी सबसे अच्छा प्रदर्शन कर दिए तो 230 230 232 235 220 220 से 240 230 का एक था ब्रैकेट, उस ब्रैकेट में मोदी का परिवार नहीं लिखा। नतीजे आ जाएंगे, अगर कल को एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल भी बन जाता है, वही नतीजे आ जाते हैं, तो भी मैं अपने उस पर जो निष्कर्ष था, एनालिसिस था, उस पर मैं कायम 220 से 230। इसके अलावा कुछ आ रहा है तो मैं इसके लिए स्वतंत्र हूं कि मैं उससे सहमत ना हूं, मैं आजाद हूं ये कहने के लिए कि कुछ तो गड़बड़ है। और बिना गड़बड़ 220 से 230 इससे ऊपर नहीं जा सकती है भाजपा, नहीं जा सकती है एकदम फाइनल। अब मतगणना में वक्त नहीं है, उसके पहले आखिरी फिर भी कह रहा हूं, मतगणना हो जाएगी, हम अपने स्टैंड पर कायम हैं, कायम थे, कायम हैं, कायम रहेंगे। और सवाल भी, पत्रकारिता भी ऐसे ही होती रहेगी, नतीजे कुछ जी। आशीष जी, चलिए देखते हैं कि लोकतंत्र जो हाशिए पर लटका हुआ है उसका आलम क्या होता है, कल नतीजों में भी साफ हो जाएगा। बहरहाल आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी प्रतिक्रिया बताइए आज की इस खबर पर, खासतौर पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे ऐसे ही चर्चाओं के साथ, धन्यवाद।